गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में डीसी मशीन के टर्मिनल फाइंड आउट किए थे और वाइंडिंग को पहचान किए थे, तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल होगा डीसी मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमने ये मेजर लिया जो कि डिजिटल मेजर है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग इसका इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, ये जो है अभी जो मोटर जो हम लोग का डीसी शंट मोटर, और ये डीसी शंट मोटर में कितने टर्मिनल? चार टर्मिनल, ठीक है। तो इस चार टर्मिनल में एक एक टर्मिनल का हम लोग इंसुलेशन प्रतिरोध देखेंगे। तो क्या आ रहा है इसमें, तो देखिए ये चार टर्मिनल है, ये मैगर का टर्मिनल है और ये इसका ये पुश करने वाला बटन है। जब ये पुश करेंगे तो ये मैगर हम लोग का 500 वोल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके रखना पड़ेगा कि जो टच है, जो कंडक्टर है, इसका छूना नहीं है, ठीक है। तो इसको लगा दिए और इसको इसमें लगा दिए। अब लगाने के बाद यहाँ हम लोग इसका रीडिंग देखेंगे, ठीक है। ये रीडिंग देखेंगे तो क्या आएगा पुश करने के बाद, तो पुश कर रहे हैं ये रेड वाला बटन, मेगर का रेड वाला बटन पुश करेंगे, ठीक है। तो पुश करने के बाद ये कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन्फिनिटी पे है रीडिंग इसका, ये रेड वाला जो स्कोप है ये इन्फिनिटी पर नहीं बता रहा। फिर ये छुड़ा करके किसी दूसरे में लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद फिर इसको पुश करेंगे, देखिए तो ये बता रहा है यानी कि दो के पास जा कर के रुका हुआ है। तो इसका मतलब कि 2 मेगा ओम इसका प्रतिरोध कितना होगा, 2 मेगा ओम, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे इसके बीच कितना है प्रतिरोध, फिर इसको पुश करेंगे नहीं बता रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव है, ठीक। ये क्या है, इन्फिनिटिव है। तो कहने का मतलब ये जो है इसमें लगा रहे हैं तो 2 मेगा ओम बता रहा है, तो ये जो है कोई एक ही वाइंडिंग का टर्मिनल होगा, ये क्या है कोई एक ही वाइंडिंग। और जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हम लोग प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं कि शंट वाइंडिंग होता है, तो ये 2 गो शंट वाइंडिंग होगा और ये 2 गो क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगा। तो आर्मेचर वाले में लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ 0 पे जा रहा है, ठीक है, ये वहाँ पर जा करके रुक जा रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। लेकिन एक इसमें और एक इसमें लगाएंगे तो वाइंडिंग का बीच प्रतिरोध, यानी कि 2 वाइंडिंग के बीच का प्रतिरोध क्या है, इन्फिनिटिव। तो इस तरह से इन्फिनिटिव बता रहा है, यानी कि कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस वाइंडिंग में लगाएंगे तो ये क्या बताएगा, 0 की ओर भागेगा, ये 0 की ओर भाग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ही तरह का वाइंडिंग होगा, तो इसलिए इसमें प्रतिरोध बहुत कम है। और ये एक दूसरे के बीच लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके बॉडी के बीच बता रहे हैं, ये इसमें लगा दिए और इसके एक बॉडी में लगा देते हैं कहीं भी, इसके बॉडी में ये लगा दिए। लगाने के बाद फिर पुश करेंगे तो देख रहे हैं कि इसका रीडिंग कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव है। तो इस तरह से वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध जो होता है बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर अब चलेंगे दूसरे मोटर का प्रैक्टिकल करने के लिए। तो चलिए अभी ये डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो इस जनरेटर का हम लोग क्या करेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध मापेंगे। तो देख रहे हैं इसमें टर्मिनल बॉक्स में कि इसमें टर्मिनल बॉक्स 1, 2, 3, 4, 5 और एक अंदर से तार निकला हुआ है, 6 टर्मिनल है, ठीक है। तो 6 टर्मिनल मतलब कि 2 आर्मेचर का होगा, 2 सीरीज का होगा, 2 शंट का होगा। तो इस तरह से हम लोग ने यहाँ 6 टर्मिनल तो पता कर लिए थे पिछले प्रैक्टिकल में। फिर अब इसके बाद आगे हम लोग इसका टर्मिनल फाइंड आउट ये रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो अभी जैसे हम लोग पिछले मशीन के लिए किए हैं तो ये जो है मैगर के द्वारा ही कर लेंगे, और जब भी इंसुलेशन प्रतिरोध निकालना होगा तो मैगर के द्वारा ही करते हैं, ठीक। तो अब ये एक लीड इसमें लगा देते हैं किसी एक वाइंडिंग में, और बारी बारी से यहाँ लगा करके देखेंगे प्रत्येक वाइंडिंग के बीच कितना प्रतिरोध है। तो ये लगा दिए इसमें, अब इसको पुश करेंगे, ये पुश करने वाला बटन जो है पुश कर रहे हैं, नहीं दाता दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव की ओर है तो वाइंडिंग का प्रतिरोध अच्छा होगा। फिर दूसरे वाइंडिंग में लगा करके देख लेंगे, इसमें भी देखेंगे, ये इसमें भी नहीं बता रहा है, तो ये भी ये क्या होगा, अच्छा ही होगा। इन्फिनिटिव जैसे ही बताएं नहीं विक्षेप हो रहा है तो इन्फिनिटी भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वाइंडिंग है इसके इसमें लगा करके दिखा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही पुश करेंगे तो यहाँ क्या बताएगा, देखिए ये 0 की ओर भाग रहा है, ये 0 की ओर भाग रहा है, तो यानी कि एक ही तरह का वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग का 2 टर्मिनल है। तो इस तरह से फिर अब दूसरे टर्मिनल में लगा करके देखेंगे ये, और फिर
इस वाइंडिंग में, ये एक दो वाइंडिंग के बीच ये भी जीरो बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्फिनिटिव है। अब देखिए ब्लैक वाला जो है ये इसके ऊपर वाला लगा करके देखेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ भी ये जीरो की ओर भागेगा, भाग रहा है। तो यानी कि ये एक ही वाइंडिंग का दो टर्मिनल इसलिए जीरो की ओर भाग रहा है, और एक दूसरे वाइंडिंग के बीच जब लगा रहे हैं तो इन्फिनिटिव की ओर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये दो मशीन का वाइंडिंग के बीच और बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध मापा, तो उसके लिए हम लोग ने ये डिजिटल मैगनीमीटर का सहायता के द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध को मापते हैं। तो फिर ये जो है क्या रीडिंग बता रहा है इसके बारे में एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं इसमें, कि जब इन्फिनिटिव है तो मोटर का प्रतिरोध बहुत अच्छा, इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जीरो की ओर भागे तो समझ लो कि उसका प्रतिरोध कम है, और पूरा जीरो आए तो समझ लो कि वो कहीं एक ही वाइंडिंग का दो टर्मिनल होगा, इसलिए वो जीरो की ओर भाग रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। लेकिन जैसे इन्फिनिटिव की ओर रहेगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये इसका प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।